ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فإنني من المسلمين. मेरे बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, दीन की बातें जो है वो दीन के कामों के लिए सुनी जाती है, इसलिए ये काफी आवाज है। दीन की बातें जो होती हैं वो दीन के कामों के लिए होती है, इसलिए अपनी नीयतें हम बनाएं कि इंशाल्लाह दीन के काम करेंगे। एक काम करने के लिए बात सुननी है, काम करने के लिए बात सुनानी है, ये देखना है कि अल्लाह ताला को कौन सा सुनना पसंद है, तो अल्लाह ने उसकी भी रहबरी फरमाई कि हम कि अल्लाह को कौन सा सुनना पसंद है। सब सुनते हैं, अपने भी पराए भी सब सुनते हैं, कौन सा सुनना पसंद है ये भी एक हिदायत है हमारे लिए कि कौन सा सुनना पसंद है। तो यूँ फरमाया कि फबशिर इबाद الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ये बशारत दीजिए मेरे बंदों को, अल्लाह कह रहे ये अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला हमको बशारतों से चलाते, वरना वो तो धमकी भी दे सकते थे कि खबरदार, लेकिन ऐसा नहीं किया हमारे साथ, बल्कि बशारतें दे रहे हैं, खुशखबरियाँ दे रहे हैं, इनाम इकराम की बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ। तो ये कहा कि फबशिर इबाद, मेरे बंदों को बशारत दो कि अल्लाह ताला का करम और उसकी मेहरबानी के असरात है कि हमसे, क्योंकि मेरे बंदों को बशारत दो। फबशिर इबाद, कौन से बंदे? अल्लज़ीन यस्तमिऊन अल-क़ौल, कि जो बात को इरादे से सुनते हैं। हाँ, एक तो ये कानों पर आवाज़ आ रही है, आजकल तो है ही, कानों पर आवाज़ आ रही है जा रही है, बस आप बाजार में गुजरेंगे तो कोई कुरान भी पढ़ रहे हैं, सब पता है ऐसा नहीं। मुस्तमे अरबी का लफ्ज है, मुस्तमे उस सुनने वाले को कहते हैं जो इरादे से सुने, उसको मुस्तमे कहते हैं, वरना वो शामे है। तो आवाज़ तो जान को भी जाती है कान पर, वो नहीं, मुस्तमे उस आदमी को कहते हैं जो इरादे से सुने। अबशर इबाद अल्लज़ीन यस्तमिऊन अल-क़ौल, मेरे उन बंदों को बशारत दो जो इरादे के साथ बात सुन रहे हैं, और सुनकर क्या करते हैं? वयत्तबिऊन अहसना, इत्तिबाए अहसन करते हैं, सुन करके इत्तिबाए अहसन करते हैं। इत्तिबाए अहसन का क्या मतलब है? इत्तिबाए अहसन का मतलब यह है कि सुनने के बाद जब अमल करने का नंबर आएगा तो अपने अमल को ऊंची से ऊंची शक्ल में पेश करेंगे, सर से उतारने वाली शक्ल नहीं, कोई सर से उतर गई नमाज नहीं, कि जब अमल का नंबर आएगा तो ये वो बंदे हैं जो सुनते हैं इरादे से, और जब अमल का नंबर आता है तो अमल की ऊंची से ऊंची शक्ल पेश करते हैं। इत्तिबा या अहसन, हम अमल की ऊंची से ऊंची शक्ल पेश करें।
ये सुनने के तरीके बताया कि बात को इरादे से सुने और जब अमल करने का नंबर आवे तो अमल की ऊंची से ऊंची और अच्छी से अच्छी शक्ल पेश करे अल्लाह को, तभी वो ना अहसना, ताकि उसके हुक्म पूरे हो जाएं, उसकी मंशा पूरी हो जाए अल्लाह ताला की। उनके बारे में फरमाया जो ऐसा करते हैं तो उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो किस्म है जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है, रहबरी मिली है उनको, वो उलाइक हम उलुल अल्बाब, और यही लोग समझदार हैं, यही लोग समझदार हैं। तो ये सुनने का दर्ज बताया कि इरादे से सुने और अमल का नंबर आवे तो अमल की ऊंची से ऊंची शक्ल, हाँ पसंदीदा से पसंदीदा शक्ल पेश करे, जैसे लोग अपनी ज़रूरतों में वो शक्ल इख्तियार करते हैं जो उनको पसंद आवे। बाजार में जाएंगे तो जो जो चीज़ अच्छी पसंद आएगी वो उसको ले, ये तो पसंद नहीं है दूसरी जगह जाएंगे, हाँ देखो फोटो ले रहे हैं, एक गुनाह और हो गया मजमे में आकर के, कि यहाँ आकर के हराम करना, ये रह गई जगह हराम करने की और कोई जगह नहीं मिली, अपने मारी गई है, क्या बताएं। गैरों के तरीके इख्तियार किए, उसी की सारी मुसीबतें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह अपनी ज़रूरत की चीज़ों में आदमी अच्छी से अच्छी शक्ल इख्तियार करता है ताकि अच्छी तरह आराम से ज़रूरत पूरी हो जाए, मकान बनावे, कपड़े बनावे, जो भी चीज़ बनावे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, अच्छी से अच्छी शक्ल ले, अल्लाह दावत दे रहे हैं कि जब अपना अमल बनाओ तो अमल को अच्छी से अच्छी शक्ल में पेश करो, और या तबियत ना अहसन, इतबा या अहसन करो, यानी अमल को अच्छी से अच्छी शक्ल में पेश करो। क्यों? कि ये अमल खुदा के हुक्म की वजह से तो होगा, मगर होगा तुम्हारे लिए। अमल तो होता है खुदा के हुक्म करने की वजह से, लेकिन अमल होता है बंदों के लिए, अल्लाह को अमल की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए करेगा। तो समझदार आदमी वो है कि अपने लिए अच्छी से अच्छी करे, ये नहीं अपने से इतना इतना करे, घटिया से घटिया अपने से करे, ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए कहा कि जब अमल का नंबर आता है बात सुनने के बाद तो अपने अमल को अच्छी से अच्छी शक्ल में पेश करते हैं, वो यही समझदारी की निशानी है। कोई चीज़ बना के ये तो अपने घर के लिए बनाई है, ये तो हमने अपने घर के लिए बनाई है, तो घर के लिए जो चीज़ बनाई है वो बेचने वाली चीज़ के मुकाबले में आला होती है, बेचने के लिए जो चीज़ बनाई है वो अदना होती है, वो घर के लिए बनाई है वो आला होती है। क्यों? तो हमने अपने घर के लिए बनाई है। ऐसे ही मेरे दोस्तों आदमी जो अमल करेगा वो अपने लिए करेगा, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, हाँ अल्लाह को अपने कर्म से उस अमल का बदला देगा, वरना बदले का हक भी नहीं है। क्यों? कि आदमी ने अमल अपने लिए किया है, दर्जी कपड़ा अपने लिए सिया, तो किससे मजदूरी मांगेगा बोलो, मांग सकता है कि कपड़ा आखिर मैंने अपने घर के लिए सिया है तो अब कोई मजदूरी नहीं देगा, किसी और के लिए सिया है तो उससे मजदूरी मांग, तो हमने अमल तो अपने लिए किया है तो हमको अजर व सवाब का हक नहीं है, लेकिन अल्लाह देते हैं, अल्लाह देते हैं, वरना हक नहीं है। जी हाँ, तो इस पर फरमाया कि इत्तेबा या अहसन करे कि अपने अमल को अच्छी से अच्छी शक्ल में पेश करे अल्लाह को, जो ये करेगा कि उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो किस्म है कि जिनको अल्लाह ने सही रहबरी, अल्लाह ने उनकी रहबरी की, और यही किस्म है जो अकलमंद और समझदार है कि अपने लिए अच्छी से अच्छी शक्ल तैयार करते हैं। तो मैंने कहा सुनने का ये मेयार बताया है कि सुने समझे और अमल का नंबर आवे तो अपना अमल अच्छे से अच्छा पेश करे, ऊँचे से ऊँचा पेश करे, यही सुनने का मतलब है। इसे इसी नीयत से सुनना है कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे और अमल की ऊँची से ऊँची शक्ल पेश करेंगे, टालने की बात नहीं होगी, यहाँ करेंगे देखेंगे, इसको टालना कहते हैं, तो टालने की वजह से महरूमी होती है, फायदा नहीं होता, इसलिए टालने की बात ना करें, बल्कि अपने आप को अमल पर डालना है, ज़िंदगी अमल के लिए दी है। हमारे नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है
नबी पैगंबर है तो पैगाम सुनाया है। क्या पैगाम सुनाया? कि ये पैगाम सुनाया है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है। ये पैगाम हमारे नाम है। मैसेज आते हैं ना आजकल, तो मैसेज की दुनिया है। हाँ, ये आपका मैसेज है, आपका मैसेज है, ये मैसेज है। क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि अल्लाह ने दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया। ये पैगाम आया है, यही हमारी दावत है, यही हमारी मेहनत है कि मौत के बाद की जो जिंदगी है उसको आखिरत कहते हैं, जो कब्र से शुरू होगी फिर ख़त्म नहीं होगी, उसके लिए अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया है। वहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना है, वहाँ रखना है। ये पैगाम आया है कि इन दुनिया खुलकत लकुम व इन्नकुम खुलकतुम लिलआखिरा, दुनिया तुम्हारे लिए पैदा करती है। ये इनाम है कि पूरी दुनिया अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है। यहाँ का पानी, यहाँ का खाना, यहाँ की हर नेमत हमारे लिए और किसी के लिए नहीं है, और किसी मखलूक के लिए नहीं है, हमारे लिए हारी सारी नेमत है कि दुनिया को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है और तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है। ये पैगाम है और यही असल ज़िंदगी है कि दुनिया को अल्लाह ने अपने कुदरत से पैदा किया है। और पैदा करने की क्या गरज है? कि दुनिया को पैदा करने की गरज ये है कि दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर एक तो अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करें। अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना ज़रूरी है, इसलिए कि तमाम ताल्लुकात कटने वाले हैं। जितने भी ताल्लुकात हैं आदमी के, दुनिया ताल्लुकात की जगह है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया ताल्लुकात की जगह है। हाँ, पैदा होते ही यहाँ ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं। किसी का बेटा होगा, जी हाँ, किसी का पोता होगा, किसी का नवासा होगा, किसी का पड़ोसी होगा, किसी का पार्टनर होगा, तो पैदा होते ही इंसानी ज़िंदगी में ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं। ये फायदा है। जानवरों के कोई ताल्लुकात नहीं होते, इंसानों के ताल्लुकात होते हैं। इन तमाम ताल्लुकात की सलामती इसमें है कि इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से हो जाए। अगर इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से होया तो क्या, तो तमाम ताल्लुकात में सलामती आएगी। और अल्लाह के ताल्लुक को समझने के लिए अल्लाह ने रसूल को भेजा कि मेरे ताल्लुक को समझने के लिए मेरा रसूल भेज रहा हूँ। कि अल्लाह से और रसूल से ताल्लुक हो गया, ये बाकी तमाम ताल्लुकात में खैर आएगी। जैसे 10 उंगलियाँ मेरी है, ये इसमें 2 अंगूठे हैं और बाकी 8 उंगलियाँ हैं। अगर 2 अंगूठे कट जाए तो 8 उंगलियाँ बेकार हो जाएगी। बोले कि नहीं, ये दर्जी था अब नहीं सी सकेगा, लोहार था अब नहीं काम कर सकेगा, कड़क था नहीं लिख सकेगा, तो अंगूठे कट गए। अंग्रेजों ने अपने ज़माने में कारीगरों के अंगूठे काट लिए थे, जिस हुनर को वो फेल करना चाहते थे तो कारीगरों के अंगूठे काट दिए। एक मलमल बनता था कलकत्ता में, वो हाथ हुनर था, वो तो उसकी तरक्की ख़त्म करने के लिए और अपना माल इंग्लैंड से लाकर चालू करने के लिए, कारीगरों की कारीगरी फेल करने के लिए और तो कुछ नहीं किया, लेकिन अंगूठे काट दिए। अब वो हुनर फेल हो गया। एक मिसाल के लिए मैंने बात कही है, ये 2 अंगूठे कट जाते हैं तो आधी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जी हाँ, आदमी लुकमा नहीं उठा सकता, लुकमा उठाने के बाद अंगूठा चाहिए, है नहीं बात? हाँ, नहीं तो बेलचे की तरह यहाँ उठाएगा, आज बेल से उठाता। तो 2 अंगूठे कट जाते हैं तो आधी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। एक मिसाल है। ऐसे मेरे दोस्तों, 2 ताल्लुकात हैं, एक अल्लाह का ताल्लुक, एक नबी का ताल्लुक। ये 2 हैं, ये तमाम ताल्लुकात की सलामती इन 2 ताल्लुकात की वजह से।
कि अल्लाह बताएंगे इनका ये हक है, इनका ये हक है, इनका ये हक है, और रसूल बताएगा इस हक का तरीका ये है, इस हक के अदा करने का तरीका ये है, इस हक का तरीका ये है। ये हमारी दावत है कि अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के ताल्लुक़ का कलिमा है। ये सबसे बड़ा ताल्लुक़ जो है और सबसे बड़ा हक जो है वो अल्लाह का है। अल्लाह बड़े हैं, उनका हक बड़ा है। उन्होंने अपनी कुदरत से बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई है, अपनी कुदरत की पहचान के लिए, अपनी ज़ात की पहचान के लिए और अपने ताल्लुकात के लिए बड़ी बड़ी नेमतें दी है, बड़ी बड़ी नेमतें दी है हाँ इंसानों को। ऐसा इकराम किसी मखलूक का नहीं हुआ है जितना इंसानों का इकराम अल्लाह ने किया। वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात, कि हमने आदम की औलाद का इकराम किया है। ये आदम की औलाद बैठी है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, कि हमने उनका इकराम किया है। अल्लाह ने इकराम किया है इंसानों का, कि क्या इकराम किया। इब्न अब्बास फरमाते थे कि तमाम जानवर खाते हैं मुंह लगा कर। कैसे खाते हैं? मुंह लगाए। जी हाँ, गाय होगी वो अपने चारे में मुंह लगाए, मुर्गी होगी अपने चोंच लगाएगी, हर जानवर खाने के लिए मुंह लगाता है। इंसान ऐसा नहीं करेगा। इंसान को अल्लाह ने हाथ दिए, वो खाना उठाकर खाएगा, इसका मुंह नहीं झुकेगा, इसका मुंह नहीं झुकेगा। जैसे और तमाम जानवर के मुंह झुकते हैं खाने में पीने में, इसका इकराम क्या है। इब्न अब्बास फरमाते थे कि तमाम जानवर मुंह से खाते हैं, आदम का बेटा मुंह से नहीं खाएगा, मुंह से पिएगा नहीं। बंदर मुंह से पानी पीता है, ये हाथ से खाएगा, ये उसका इकराम है, इसका चेहरा नहीं झुकेगा। इब्न अब्बास फरमाते थे कि बनी आदम का अल्लाह ने ये इकराम किया है, और लकद करमना बनी आदम, और क्या इकराम किया है, कि वहमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, कि हमने उसको उठाया है खुशकियों में दम पर। तमाम मखलूक जमीन पर चलती है, ये सब जमीन पर भी चलता है और सवार होकर भी चलता है। जानवरों की जानवरों पर सवारी करेगा, मशीनों पर सवारी करेगा, कश्तियों में सवारी करेगा, यानी दूसरी चीज़ों पर चढ़ करके ये चलेगा, दूसरी चीज़ें उसको उठाएगी, समंदर में कश्तियाँ उठाएगी और सड़कों पर जानवर उठाएंगे, मशीनें उठाएगी, इसको चलेगा नहीं, उठाएगा। वो हमलना हम फिल बर्र वल बहर, ये इकराम किया। तीसरा इकराम कि वो रज़क़ना हम मिन अत्तय्यिबात, कि हमने बनी आदम को खाने के लिए पाक पाक चीज़ें दी। अल्लाह कोई नापाक चीज़ नहीं खिलाता, ये खुद नापाक अपनी चीज़ बनावे वो अलग है, ये नापाक चीज़ खावे अपने नफ्स की शरारत की वजह से, नापाक चीज़ खावे या गंदी चीज़ खावे ये अलग बात है। बाकी अल्लाह के अल्लाह उसे कोई गंदी चीज़ नहीं खिलाएगा, पाक पाक चीज़ खिलाएंगे। और रज़क़ना हम मिन अत्तय्यिबात, खाने के लिए रोजी के लिए उनको पाक पाक चीज़ें दी, रोजी कमाने के लिए पाक पाक अच्छे अच्छे तरीके दिए, रोजी कमाने के लिए रोजी भी अच्छी और रोजी तरीके कमाने के लिए तरीके भी अच्छे दिए। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि रोजी कमाने में अच्छा तरीका इख्तियार करो, रोजी मिल के रहेगी, जितनी लिखी है वो आएगी, जो नहीं लिखी है वो नहीं आएगी, जो नहीं लिखी है वो नहीं आएगी, और जो लिखी है वो आएगी। तो उसके लिए तरीका पाक इख्तियार करो ताकि वो पाक तरीके से आवे। मिलेगी तो लिखी हुई से ज़्यादा नहीं मिलेगी और कम भी नहीं होगी, तो इसलिए पाक तरीके इख्तियार करो। और इकराम में ये भी सिखाया है बनी आदम के इकराम में कि रोजी के पाक पाक तरीके इख्तियार करो, अपने नफ्स की हवस की वजह से, अपने नफ्स की लालच की वजह से हराम और नापाक रोजी का इरादा मत करो।
आठ रोजे अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दे दी है वो मिलेगी। ये आठ रोजे पर मैं एक किस्सा सुनाया करता हूँ ना। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक सफर में कहीं जा रहे थे घोड़े पर सवार होकर के, तो एक मस्जिद में से गुजरे। मस्जिद आ गई, दो रकात पढ़ के आगे बढ़ो, लेकिन घोड़ा घोड़ा कौन देखेगा? इतने एक आदमी आया, उसे कहा भाई एक नेकी करोगे क्या? मेरा घोड़े का लगाम पकड़ थोड़े, मैं तो रकात पढ़ के आ जाता हूँ, मस्जिद है। हाँ जाओ, अच्छा जमाना था। तो उसे घोड़ा दिया और दो रकात पढ़ के पढ़ी और वापस आए। वापस आए देखा कि घोड़ा फिर रहा है, लगाम नहीं है, लगाम नहीं है। इधर देखा बता, एक दुकान फासले पर थी, वहां देखा वो लगाम वहां लटक रही है। लगाम दुकान वाले से कहा कि लगाम तो मेरी है, होगी फिर यहाँ कैसे आई? ये वो एक आदमी अभी बेच गया। कितने में बेची? ये दो दिरहम में, दो दिरहम में बेच कर अभी गया, मैंने खरीद ली। ये मिसाल तो हजरत फरमाने के अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्यों? ये जब मैंने सलाम फेरा अपने नफलों से तो ये इरादा किया था कि एक आदमी ने मेरे साथ सुलूक किया है, मेरे घोड़े को संभाला है, तो मैं उसको दो दिरहम हदिया दूंगा, दो दिरहम मैं हदिया दूंगा, ये मैंने नियत की थी। फरमाते थे उसकी किस्मत है तो दो ही दिरहम थे, जल्दी करके चोरी से लिए, जल्दी न करता तो हदिये से मिलता। समझ में आई बात? ये उसकी नियत खराब हो गई, तो हराम दो दिरहम हराम से मिले, वरना उसकी किस्मत में तो दो ही दिरहम थे और हलाल रास्ता भी था। ये मिसाल है, अल्लाह ताला नापाक हराम चीज नहीं खिलाता। आदमी खुद अपनी खबासत की वजह से अपनी रोजी को खराब करता है, चोरी से, रिश्वत से, दगे से, मिलावट से, ये सब नापाक तरीके आदमियों ने बनाए हैं, अल्लाह ने नहीं बनाए। अल्लाह तो पाक पाक रोजी देता है, बने आदम का इकराम करता है, रज़क़ना हुम मिन तय्यबात। तो इसमें ये तालीम दी है हमको कि अपनी रोजी पाकीज़ा रखो, जैसे गुनाहों से अपनी ज़िंदगी पाकीज़ा रखो, इस तरह कमाने में खाने में रोजी को भी पाकीज़ा रखो। ये रोजी का बहुत बड़ा दखल है, इबादत के कबूल होने में, दुआओं के कबूल होने में, हालात के बनने में इसको बड़ा दखल है। इसलिए हुक्म है कि पाक पाक तरीके से रोजी कमाओ, पाक पाक तरीके से खाओ। नबियों को भी ये हुक्म है, नबियों को भी कुलू मिन तय्यबात वामलू सालिहा, कि पाक पाक चीज़ें खाओ, नेक नेक काम करो, पाक पाक चीज़ें खाओ, नेक नेक काम करो। ये हुक्म नबियों को भी है, ये हुक्म उम्मत को भी है। क्यों? ये हमारा तरीका है अपनी ज़िंदगी को आखिरत बनाने के लिए पाकीज़ा बनानी है, कि ज़िंदगी हमारी पाकीज़ा बने और ताकि हमारी आखिरत बन जाए। आखिरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमको सामान दिया, जैसे दुनिया बनाने के लिए सामान दिया है आग, पानी, हवा, ये सब दुनिया बनाने माल। आखिरत बनाने के लिए, आखिरत बनाने के लिए भी अल्लाह ताला ने हमको सामान दिया, असबाब दिए। क्या सब, क्या सबब दिया? कि आखिरत बनाने के लिए ईमान दिया। ईमान के बगैर आखिरत नहीं बनती। सबसे बड़ा सरमाया जो जिससे आखिरत बनेगी वो आदमी का ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ईमान का कलिमा है, ये पहला, ये सबसे पहला है। जी हाँ, हर ज़माने में अल्लाह ताला ने लोगों को आखिरत बनाने के लिए ये कलमा दिया है, एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, सारे कामों के बनाने वाला वही है, सारे हालात का पैदा करने वाला वही है, और कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका मुकाबिल का नहीं,
वो अपनी जात में यकता है, आला है, बाला है, और जो कुछ करेगा अल्लाह वो अपनी कुदरत से करेगा, अपने फैसले से करेगा। अला लहुल खल्क वल अम्र, याद रखो मखलूक भी अल्लाह की, फैसला भी अल्लाह का, मखलूक अल्लाह की, फैसला अल्लाह का। अल्लाह के मखलूक में वो होगा जो अल्लाह फैसला करेगा, किसी का फैसला नहीं चलता, अल्लाह का फैसला चलता है। ऊपर फैसले होते हैं, यहाँ फैसले जाहिर होते हैं, फैसले ऊपर होते हैं, तो तमाम फैसले वो अल्लाह के हाथ में है, तमाम मखलूक अल्लाह के हाथ में है, कोई चीज अल्लाह के कब्जे से कुदरत से बाहर नहीं है। पैदा करने में भी वो अकेला है और निभाने में भी वो अकेला है, सबको पैदा करेगा, सबको निभाएगा, सबको चलाएगा, सबकी ज़रूरतें पूरी करेगा, सबकी ज़रूरतें पूरी करेगा, इंसानों की, जानवरों की, हाँ सबके लिए रोजी का जिम्मा लिया है अल्लाह ने, कि सबकी रोजी, ज़मीन पर जो भी चीज़ चलती है छोटी बड़ी, क्या इन सबकी रोजी अल्लाह कहते मेरे जिम्मे, तो सबकी रोजी देने का जिम्मा खुद लिया है। हयात भी देता है, रोजी भी देता है, ज़िंदगी भी देता है, रोजी भी देता है, ये अल्लाह की शान है। क्यों? कि वो रब है, रब कहते हैं पालने वाले को, परवरिश करने वाले को, और परवरिश भी आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, उसी को परवरिश कहते हैं, उसी को परवरिश कहते हैं, उसी को तरबियत कहते हैं, धीरे धीरे ऊपर ले जाता है। बच्चा छोटा होता है, कमज़ोर होता है, फिर उसमें कुव्वत आती है, दरख्त छोटा होता है, फिर वो आगे बढ़ता है, इसको परवरिश कहते हैं, कि अल्लाह अपनी कुदरत से परवरिश करता है और फिर परवरिश को पूरा करके उसको काम के लायक बना देता है। अब आदमी की परवरिश हो गई, ये जवान हो गया, ये काम के लायक हो गया, जिम्मेदारियां लेने के लायक हो गया, दरख्त अपनी परवरिश को पहुंच गया, ये फल देने के लग गया, तो हर चीज़ की परवरिश करके उसको उसके नतीज पर ले जाते हैं। ये काम सिर्फ अल्लाह ही का है कि अपनी कुदरत से पैदा करे और अपनी कुदरत से उसको उसके फल और नतीज पर ले जाए। इंसानों को भी अपनी कुदरत से पैदा करता है और ये बड़ी कुदरत है, इंसानों की पैदाइश बड़ी कुदरत है। हाँ, ये उसको अजीब व गरीब तरीके से पैदा किया है। आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से पैदा किया और बाद की तमाम नस्लों को पानी से पैदा किया, पानी से पैदा किया, और पानी भी गंदा पानी। अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुमको गंदे पानी से नहीं पैदा किया? तो असल मादा तो गंदा है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा कवर चढ़ाया है कि और कोई चढ़ा नहीं सकता। एक गंदा पानी है जो माँ के पेट में जाता है और उसे बच्चा करता है। बेहद नुथारा सूरत झोंपरी, दस्त बर्रा बसूरत गरी, कहते हैं कि एक नुतफे को अल्लाह ताला परी सूरत में, जब बच्चा पैदा होता है खूबसूरत बच्चा, और उसके माँ उसको नहला धुला कर पहना कर बाहर लाती है, तो हर आदमी को प्यार आता है, हर आदमी को प्यार आएगा, हर आदमी को छेड़ेगा, कुछ को चुटके बजाएगा, कुछ करेगा जो, क्यों? ये वो उसकी शक्ल सूरत इतनी प्यारी हो गई, नापाक नुतफे की सूरत इतनी प्यारी हो गई। कहते हैं कि ये बड़ी कुदरत है। आज तक पानी पर किसी ने कोई फोटो नहीं बनाया है, आप गौर करो, पानी पर या बर्फ की सिल्ली पर कोई फोटो बनता है? ये बन सकता है? नहीं बन सकते। यह तो थारा सूरत परी दस्त कर आप सूरत करी, ये बतौर चैलेंज के का शेख शादी समझ कि अल्लाह ताला नुतफे को एक परी सूरत बनाता है, खूबसूरत औरत हो मर्द हो लड़की हो रहा है, खूबसूरत उसका बचपना हर एक को प्यार आवे। कहते हैं कि आज तक पानी पर किसने सूरत बनाई है मुझे बताओ? पानी पर कोई सूरत बनी है? नहीं बनी। दूसरी चीजों पर सूरत बन जाएगी, पानी पर नहीं बनेगी। पानी से पर सूरत बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। इसलिए कहा अलम नखुल महीन, क्या? क्योंकि हमने तुमको एक गंदे पानी से नहीं पैदा किया, तो नुतफा तो गंदा है लेकिन सूरत एकदम परी की, पानी को परी सूरत बनाया, खूबसूरत बनाया। वो कहते हैं कि आज तक पानी पर किसने सूरत बनाई है कोई मुझे दिखाओ? नहीं बना सकता, अल्लाह बना सकता।
इसलिए ये बड़ी कुदरत है हमारे वजूद में अल्लाह ताला कि हमको आला से आला दर्जे पर और ऊंचे से ऊंचे दर्जे पर हमको पैदा किया। फिर पैदा करके यूं कहा कि क्या हमने तुमको यूं ही पैदा कर दिया है, बेफायदा पैदा किया है? नहीं, तुम्हारी पैदाइश का एक मकसद है, तुम्हारी पैदाइश का एक मकसद है। और दूसरी बात कि तुम्हारा वजूद उसका मकसद भी है और तुम्हारे वजूद का एक नतीजा भी है। ये नहीं कि कोई चीज़ बनाई थी टूट गई, कोई गागर घड़ा बनाया था वो टूट गया, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे वजूद का एक मकसद है और तुम्हारा वजूद एक नतीजे पर जाएगा। ये दो बातें कही है कि तुम्हारे वजूद का एक मकसद है और तुम्हारा वजूद एक नतीजे पर जाएगा। कि तुम्हारे वजूद का क्या मकसद है कि हमको क्यों वजूद दिया गया है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको यानी इंसानों को जन्नतों को वजूद दिया है अपनी इबादत के लिए। वो ये बड़ी इज्जत है, ये बड़ी इज्जत है कि अल्लाह ने इंसानों को जन्नतों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बंदगी के लिए इबादत के लिए पैदा। बड़ा शरफ है ये सब चीज़ें तो तुम्हारे लिए पैदा की और तुमको खुदा ने अपने लिए पैदा किया, तुमको अपने लिए पैदा किया है, कहते हो तुमको मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये शरफ है, ये इज्जत है कि तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए और तुम अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हम पैदा, तो ये हमारे लिए इज्जत है। ये है ज़िंदगी का मकसद कि तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पैदा किया है, ख्वाहिशों के पूरा करने के लिए नहीं पैदा किया। दुनिया में दो चीज़ें होती है, एक जिम्मेदारियाँ होती है, एक ख्वाहिशें होती हैं। जो जिम्मेदारियाँ पूरी करता है वो तरक्की करता है, जो जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी करता फिर ख्वाहिशों में रहता है वो बिगड़ जाता है। दो बेटे हैं, एक बेटा जिम्मेदारी से चलता है, दूसरा आवारा है तो वो बिगड़ जाता है, और जो जिम्मेदारी चलता है वो तरक्की करता है। दोनों एक ही माँ बाप के हैं, ऐसे ही बनी आदम की हालत कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को पैदा किया और उनको दुनिया में जिम्मेदारियां दी। ये दुनिया जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह है, ख्वाहिशें पूरा करने की जगह नहीं है। क्या जिम्मेदारी है? उन जिम्मेदारियों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे कि वो जिंदगी की जिम्मेदारियां बताएं, उसको तबलीग कहते हैं, उसी को तबलीग कहते हैं। तबलीग कोई आज की चीज़ नहीं है, तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। जी हाँ, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को पूरी करना ताकि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, उसको तबलीग कहते हैं कि ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ पूरी करना। फिर तबलीग 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 क्या तबलीग है? तबलीग का मकसद ये है कि ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को पूरी करो और फिर आखिरत में उसका बदला ले लो, मौत के बाद उसका बदला ले लो। मौत से पहले उन जिम्मेदारियों की बरकतें मिलेगी, मौत के बाद बदला मिलेगा, दुनिया में बरकतें आएगी। अल्लाह ताला के हर हुक्म के साथ बरकत है, नमाज हो, रोज़ा हो, जो भी हो, हुक्म पूरा हुआ है कि हर हुक्म के साथ बरकत होती है। दुनिया में बरकतें देते हैं और मौत के बाद बदला देते हैं, ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। बरकत हासिल करने के लिए ईमान शर्त है, ईमान लावे और ईमान लाकर अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारे, सीधी बात है। ईमान लाकर अल्लाह से डर कर सीधी जिंदगी गुजारे। वरवन्ना हलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ध। कि ये शहरों में बसने वाले लोग अपनी जिंदगी ईमान यकीन पर लावे और तकवा और खुदा का खौफ अपने अंदर पैदा करें जिंदगियों में, तो अल्लाह उनको आसमानों से भी बरकतें देगा और ज़मीन से भी बरकतें देगा। ये वादे हैं। लोग बरकत की दुआ कराते हैं, बरकत के वजीफे मांगते हैं, ये बरकत का ये वजीफा है कि अपने अंदर अल्लाह का ताल्लुक सही पैदा करो, ईमान और यकीन पैदा करो और ज़िंदगी तकवे वाली। तकवे का मतलब यह है कि बचने की चीज़ों से बचे और करने की चीज़ करें।
इसको तकवा कहते हैं कि करने की चीज कर गुजरे कि भाई ये तो करना ही करना है, और बचने की चीज है कि बचने की चीज से बचे। ये आसान प्रोग्राम कि करने की चीजें करो और बचने की चीज से बचो अल्लाह से डर कर, तो जिंदगी में तकवा आ जाएगा, और तकवा की वजह से तुम्हारे कामों में आसानियाँ आ जाएगी, तकवा की वजह से तुम्हारे कामों में बरकतें आएगी, तकवा की वजह से तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाएगी, दुआएं कबूल होगी। एक चीज अंदर पैदा होती है तकवा, अल्लाह का डर अंदर पैदा होता है वो, लेकिन वो तकवा पैदा होता है अल्लाह के हुक्मों वाली मेहनत करने से। दो मेहनतें होती है दुनिया में, एक चीज़ों वाली मेहनत, फैक्ट्रियाँ है, कारखाने हैं, चीज़ें बनती हैं, बाजारों में आते हैं, ट्रांसपोर्ट है, लाते हैं, ले जाते हैं, एक मेहनत है उसको हजरत समझिए, चीज़ों की मेहनत है, ये चीज़ों की मेहनत है, नई नई चीज़ें बनेगी जी हाँ, नई नई आइटमें आएगी, तरक्की होगी दुनिया की, फिर वो बाजारों में आएगी, फिर वो घरों में आएगी, फिर वो जिंदगी में आएगी जी हाँ, एक लाइन है चीज़ों की मेहनत, दूसरी लाइन है हुक्मों की मेहनत, हुक्मों की मेहनत कि अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर लगाना, ये भी एक मेहनत है। नबी इस मेहनत को लेकर आते हैं कि जिंदगी अल्लाह के हुक्मों वाली बने, क्योंकि चीज़ों वाली वो तो बनाएंगे आदमी, उसमें कहना नहीं पड़ता कि वो तो बनाएंगे, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरतें महसूस होती है, एक हुक्मों वाली जिंदगी है कि वो बनानी पड़ेगी, इसलिए हुक्मों में सबसे पहला हुक्म ईमान लाने का है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, ये सबसे पहला हुक्म है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुदूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कि अल्लाह से ताल्लुक पैदा करो, ईमान का, यकीन का, खौफ का, उम्मीदों का, कि खौफ हो तो अल्लाह से हो, उम्मीद हो तो अल्लाह से हो, अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे, अल्लाह हमें कामयाब करेंगे, ये ताल्लुक पैदा करना है अल्लाह की तरफ से। जिस तरह हमारे पास नेमतें आती हैं ऐसे अल्लाह की तरफ से हुक्म भी आते हैं, दोनों चीज़ें आती हैं, नेमतें भी आती हैं, हुक्म भी आते हैं अल्लाह की तरफ से, नेमतें भी आती हैं, रात दिन आती हैं, खाना पीना, औलाद, माल दौलत, नेमतें आ रही हैं, बाजार नेमतों से भरे हुए हैं, वो भी हमारे लिए है, और एक अल्लाह के हुक्म भी आते हैं, इसलिए हुक्मों के बारे में, हुक्मों के बारे में अल्लाह ताला की इताअत का हुक्म है, और नेमतों के बारे में शुक्र करने का हुक्म है, जो नेमत आवे उसका शुक्र करो, और जो हुक्म आवे उसको अपने अमल में लाओ। नमाजों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों पहलुओं की दुआ मांगते थे, रब्बे आइन्नी अला जिक्रे का व शुक्रे का व हुस्न इबादते, ए अल्लाह हमारी आनत फरमा, हमारी मदद फरमा। ये किस बात की मदद मांगते हो? कि तेरा शुक्र करने पर, तेरा जिक्र करने पर, कि हम तेरा शुक्र करें क्योंकि नेमतें आ रही हैं, औलाद है, माल है, तंदुरुस्ती है, इज्जत है, बहुत नेमतें हैं, तो नेमतें आ रही है कि नेमतों में शुक्र करना है, और हमारे पास हुक्म भी आ रहे हैं, अभी मगरिब पढ़ चुके हैं, अब ईशा की नमाज का हुक्म आएगा, हाँ फिर फजर की नमाज का हुक्म आएगा, नवाफिल का हुक्म आएगा, सुन्नतों का हुक्म आएगा, कि हमारी तरफ हुक्म भी आ रहे हैं, हमारी तरफ नेमतें भी आ रही है, तो नेमतों के जवाब में तो हम शुक्र करने वाले बने, और हुक्मों के जवाब में, कि हुक्मों के जवाब में उसके जिक्र करने वाले, उस पर अमल करने वाले बने, कि वो हुक्म टूट ना जावें, वो हुक्म छूट ना जावें, बल्कि उन हुक्मों पर हम अमल करें, इसकी तौफीक मांग रहे हैं, इसकी मदद मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि अल्लाह का कोई हुक्म आवे आदमी उसको छोड़ दे या उसको तोड़ दे, ये हलाकत की बात है, अल्लाह के हुक्म को छोड़ना, अल्लाह के हुक्म को तोड़ना, ये हलाकत की बात है कि आदमी अपनी हलाकत की कोशिश कर रहा है अगर वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, हुक्मों को छोड़ता है। हदीसों में है कि एक नमाज किसी ने उड़ाई है, हाँ बगैर किसी उजर के नमाज उड़ाई, कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है एक नमाज छोड़ने का कि जैसे किसी एक नमाज पर जान माल और सब चीज़ें तबाह हो जावे, अकेला खड़ा हो जाए, वो सब तबाह हो गए, कोई नहीं बचा, अकेला रह गया, तो कितना बड़ा नुकसान है, इससे ज़्यादा तसव्वुर में भी नहीं आता। एक नमाज उड़ी है तो इतना बड़ा, एक रोज़ा उड़ाया बगैर उजर के,
जब सारी उम्र भी रोजा रखेगा तो इस नुकसान की तलाफी नहीं होगी। एक रोजा उड़ाया, इतना बड़ा नुकसान किया कि सारी उम्र रोजा रखे तो भी इसकी तलाफी नहीं होगी। क्यों? कि अल्लाह का हुक्म छोड़ना, अल्लाह का हुक्म तोड़ना, ये बड़ा नुकसान है। अल्लाह बहुत बड़े हैं, बड़े का हुक्म है, उसे कोई बड़ा नहीं है। ये तकाजा है जिंदगी का कि हमारी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्म वाली बने। इनमें सबसे पहले ईमान का हुक्म है कि अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह से यकीन, अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से अच्छा गुमान, अल्लाह से कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखो। हुजूर फरमाते थे कि अबशरू वअम्मिलू मा यसुरुकुम, बशारतें अल्लाह की सुनो, फजीलतें सुनो, अल्लाह के इनामत इकराम की बातें सुनो और अल्लाह से उम्मीदवार रहो। ये कहा अल्लाह से उम्मीदवार रहो तो फिर क्या होगा? कि अल्लाह से उम्मीदवार रहो, अल्लाह ऐसे हालात लाएगा जो तुम्हें खुश कर देगा। ये कहा जवाब शुरू वाम में लो मायसुर रुकुम, बशारतें सुनो, उम्मीदवार रहो तो क्या होगा? कि अल्लाह ऐसे हालात लाएगा कि जो तुम्हें खुश कर देगा। क्योंकि हालात अल्लाह के कब्जे में है, किसी के कब्जे में नहीं है। हालात किसी के कब्जे में नहीं है। अल्लाह रात छोटी बनाता है, दिन बड़े बनाता है, दिन छोटे करता है, रात बड़ी बनाता है। ये समझाए नहीं समझाइए? तो ये दलील है कि जिस तरह लोगों पर रातें छोटी हो गई, दिन बड़े हो गए, दिन छोटे हो गए, रातें बड़ी हो गई, ऐसे उनके हालात अल्लाह बनाएगा कि किसी के हालात तंग कर दिए और किसी के हालात खोल दिए, किसी के हालात बेहतर बना दिए, किसी के हालात बदतर बना दिए। तो जिस तरह रात दिन छोटे होते हैं, ऐसे हालात तंग भी होते हैं, खुलते भी हैं। तो ये किसके कब्जे में? ये सिर्फ अल्लाह के कब्जे में। रात दिन समझा कर इंसानों के हालात की रहबरी की है कि घबराओ मत, ये सारे हालात अल्लाह के कब्जे में है, किसी के कब्जे में नहीं है। तो इन हालात को सुधारने का क्या रास्ता है? इन हालात को सुधारने का रास्ता ये है कि अल्लाह को राज़ी करो। एक ही रास्ता, समझ बात आ रही है? एक ही रास्ता है, वो क्या है? कि अल्लाह को राजी करो। अल्लाह राजी हो जाएगा तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। ये हमको समझाया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाह मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला ठीक कर देगा। कितनी आसान बात, ये दावत दी है और बशारत भी दी है। दावत भी दी है, बशारत भी दी है कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाह मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला ठीक कर देगा। सारे खजाने अल्लाह के हाथ में है, सारी चाबियां अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। एक ही अल्लाह है, खालिक भी है, मालिक भी है, देने वाला भी है, लेने वाला भी है, छीनने वाला भी वो है, छीन भी ले किसी को और दे भी दे, दोनों करते हैं। किसी से छीन लेते हैं तो किसी को दे देते हैं, जी हाँ दोनों करते हैं, नेमतें दी भी नेमतें छीन भी ली, दोनों करते। इसलिए डराया गया है कि अल्लाह से डरो और अल्लाह से डर कर अल्लाह से अपना मामला सही करो। जब अल्लाह से मामला सही हो जाएगा तो बाकी तमाम मामला सही हो जाएंगे। ये दावत है, ये तबलीग है कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाह मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला सही कर लेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला सही कर देगा। फिर किसी को खुशामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह राजी हो गया क्या ख़त्म? सबके दिल अल्लाह के कब्जे में है, सबकी पेशानी की बात अल्लाह के कब्जे में है। अल्लाह जिधर चाहे उसकी पेशानी को झुका देंगे, जी हाँ अल्लाह के हाथ में। मा मिन दाबतिन इल्ला हुवा आख़िज़ुन बिनासियतिही, कोई जानदार ऐसा नहीं है कि इसकी पेशानी के बाद अल्लाह के कब्जे में हो। अल्लाह चाहे तो झुका देंगे, अल्लाह चाहे तो ऊपर करेंगे, अल्लाह निपट करेंगे। सबकी पेशानी के बाद मतलब ये कि सब अल्लाह के कब्जे में। वो
घोड़े की पेशानी का बाल पहुँच गया, वो घोड़े वाला लिया था। ये मिसाल के लिए कहा है कि सबकी पेशानी के बाल अल्लाह के हाथ में है, यानी अल्लाह उनको चाहेंगे तो झुका देंगे, चाहेंगे तो बढ़ा देंगे। सब अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों पहली जिम्मेदारी है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से सही हो जाए, ईमान का यकीन का कि जो होगा अल्लाह से होगा, अल्लाह के घर से नहीं होगा। इसलिए जब किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है, तो फिर अल्लाह को नाराज़ करने की क्या वजह है? अल्लाह को नाराज़ करने की क्या वजह है? कोई वजह नहीं है। अल्लाह के इनामात भी है, अल्लाह का इकराम भी है, फिर अल्लाह को नाराज़ भी करें, ये बहुत नाशुक्रिया। इसलिए मेरे दोस्तों हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें। अल्लाह राज़ी होगा ईमान से, ये पहली बात। अपने ईमानों में कुव्वत पैदा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ईमान का कलिमा है। इतनी इस कलमे को कसरत से पढ़ा करो, इस कलमे को कसरत से पढ़ा करो, इस कलमे के ज़रिए से अल्लाह ताला को याद किया करो। ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे कोई वजीफा बता दो, अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि मुझे कोई वजीफा बताओ। अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। उन्होंने कहा तो सब पढ़ते हैं, मैं कोई ख़ास वजीफा चाहता हूँ। तो अल्लाह ने उस कलमे की अहमियत बताई कि आपने उसको क्या समझा है कि सात आसमान एक पल्ले में हो जावे, कलमा एक पल्ले में हो जावे तो ये भारी हो जाएगा। आपने इस कलमे को क्या समझा? तो असल में तो बात हमको समझाने के लिए आई है हदीस। जी हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारे नबी के जरिए से हमको समझाया कि ये कलमा बड़ी नेमत है, ये कलमा बड़ी नेमत है। इसलिए इस कलमे को कसरत से पढ़ो, अपने ईमान को इस कलमे को पढ़ पढ़ कर ताज़ा करो और इस कलमे के तकाजे पर अमल करो, कलमे के तकाजे पर अमल करो। दुनिया में जितने बोल बोले जाते हैं उसके तकाजे होते हैं। तिजारत एक बोल है, तो तिजारत के तकाजे होते हैं, तिजारत के तकाजे होते हैं। ज़मींदारा ज़मींदारे के तकाजे होते हैं। जब उसके तकाजे पूरे हो जाते हैं तो उसका फल आता है, उसका नतीजा आता है। उसके तकाजे पूरे नहीं होते तो उसका फल भी नहीं आता। तो कलमे का तकाजा है, जब कलमे का तकाजा पूरा करेंगे तो फिर कलमे के असरात, कलमे के फल, कलमे के समरात आएंगे। ये कलमे का क्या तकाजा है? ये कलमे का तकाजा है अल्लाह की इताअत की जाए। क्या तकाजा है? कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वो अल्लाह की रजा में खर्च करो। कोई चीज़ अल्लाह के नाराज़गी की तरफ न ले जावे। कि अल्लाह का नाराज़ होना सख्त है। ईसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ अल्लाह का नाराज़ होना। कि अल्लाह नाराज़ है या तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों? कि अल्लाह नाराज़ है। अल्लाह की नाराज़गी सबसे ज़्यादा डरने की और बचने की चीज़ है। अल्लाह की नाराज़गी सख्त है। जिस तरह अल्लाह का राज़ी होना बहुत बड़ी है, रिदवान मिन अल्लाह अकबर। कि अल्लाह राज़ी हो गया, कि अल्लाह का राज़ी होना ये बहुत बड़ी बात है। कि अल्लाह राज़ी हो गया तो अल्लाह का राज़ी होना बड़ी बात है, अल्लाह का नाराज़ होना ख़तरनाक बात है। कि ज़मीन आसमान में कोई कुछ करने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के, कि वही नाराज़ है कि अब कोई हाल नहीं बनेगा। कि अल्लाह नाराज़ है कि कोई हाल नहीं बनेगा, और अल्लाह राज़ी हैं कि सारे हाल बन जाएंगे। इसे हुज़ूर ने फरमाया कि मन असलह मा बैनहू व बैन अल्लाह असलह अल्लाह मा बैनहू व बैन खल्क़िही। कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला ठीक कर देगा। आसान बात है। इसलिए उसका खुलासा ये निकला कि अगर अपनी ज़िंदगी दीन पर आई तो हालात ठीक हो जाएंगे। ये मतलब है कि दीन पर अपनी ज़िंदगी को लाओ। इसलिए अल्लाह ने रसूल भेजे हैं, दावतें दी हैं, उसकी फजीलतें बरकतें बताई हैं। जब दीन आवेगा तो तुम्हारे असबाब में, तुम्हारी जानों में, मालों में बरकतें आवेगी दीन की वजह से। तुम्हारी दुआएं कबूल होगी, तुम्हारे मुश्किल हल हो जाएंगे। क्यों? कि अल्लाह राज़ी हो गया। इसलिए मेरे भाइयों पहली चीज़ यही है कि हमारी ज़िंदगी में दीन आवे। दावत और तबलीग की यही गलत है और कोई गलत नहीं है, और कोई गलत नहीं। किसी से न लेना है, न किसी को देना है, न किसी का कोई नुकसान करना है। अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्म वाली बनानी है। इसमें सबसे पहले ईमान है कि ईमान की मेहनत करो, ईमान की दावत दो, ईमान के रास्ते में चलो, ईमान के रास्ते में फिरो, ईमान की बातें सीखो, ईमान की बातें। इससे ईमान अंदर तरक्की करेगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हरकत दी है। क्या दिया है? पहले दिन से जो ईमान लाता था वो ईमान के लिए हरकत करता था।
जिम्मा अल्लाह का था, वो शो कहते तुम अपने कौम में जाओ, अपने कबीले में जाओ, अपने भाइयों में जाओ और उनको दीन पर लाओ। पहले दिन से ईमान, ईमान की मेहनत, कलमा, कलमा की मेहनत, ये पहले दिन से है। हमने उसको छोड़ दिया है, आज हमने उसको छोड़ दिया है, उसको भूल गए हैं और भूलना भी भूल गए हैं कि हम भूले हुए हैं, ये भी भूल गए। कोई भूला हुआ हो उसको याद दे दो कि आप अपने घड़ी भूल गए वहाँ, हाँ वो लेने जाएगा, लेकिन कहते वो घड़ी मेरी है ही नहीं, वो मैं भूला हुआ नहीं हूँ तो वो देने नहीं। आज ऐसा हो गया कि मुसलमान अपने दिन को ऐसा भूला हुआ है कि वो अपने वो भूला हुआ समझता ही नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों वो ये इस वजह से हुआ है कि एक नशा चढ़ गया है। एक बात बीच में आई है, एक नशा जिंदगियों पर चढ़ा हुआ है। हदीसों में है कि तुम्हारे ऊपर दो नशे चढ़ेंगे, एक नशा जहालत का, जहालत ये जहालत है, दीन से बेखबर है, आखिरत से बेखबर है, कबर कयामत इसकी कोई खबर नहीं, इसको जहालत कहते हैं। जहालत का मतलब ये कि लिखना पढ़ना नहीं आता, वो नहीं, अपनी जिंदगी के मकसद से जाहिल है, अपनी जिंदगी के नतीजे से जाहिल है कि मेरी जिंदगी का क्या नतीजा होगा, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, ये इसको जहालत कहते हैं। तो फरमाया एक नशा चढ़ेगा लोगों पर जहालत का, इस जहालत में उनको कोई बात समझ में नहीं आएगी, बदल खाओ कमाओ मालदार बनो, जहालत का नशा। दूसरा नशा कि ऐश की मोहब्बत का नशा, मुझे दुनिया में ऐश मिला, ऐश के लिए सारी मेहनत है तो मुझे दुनिया में ऐश मिला। तुम्हारे पर दो नशे चढ़ेंगे, एक जहालत का नशा और एक ऐश की मोहब्बत का, मुझे दुनिया में ऐश मिला, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ये दो नशे। जब नशे चढ़ेंगे तो फरमाया फिर तुम करने की नहीं करोगे, न करने की करोगे। जैसे नशे वाला होता है, नशे वाला होता है उसको कुछ शोर नहीं है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, बहन खड़ी है, भाई खड़ा है, कुछ नशे में है। तो कहा कि लोगों पर ये दो नशे चढ़ेंगे, वो ये नशे का दौर है कि कयामत का दिन जहालत फैल जाएगी, जिंदगी का क्या मकसद है पता नहीं, जिंदगी कहाँ जा रही है पता नहीं, क्या सवाब है, क्या अजाब है, जन्नत है, दोजख है, कुछ नहीं। क्यों? नशा है, नशे वाले को नहीं खबर होती कि मैं नशे में हूँ, दूसरा जानता है कि नशे में है नहीं बात, खुद नशे वाले को यह नहीं पता हो कि मैं नशे में हूँ। जैसे जानकूँ सोने वाले को नहीं पता मैं सोया हुआ हूँ, तो नशे वाले को नहीं पता होता कि मैं नशे में हूँ। तो हुजूर ने खबर दी है कि लोगों पर नशे टड़ेंगे, जहालत का नशा, कुछ खबर नहीं, बस जिंदगी क्या जिम्मेदारी पता नहीं, खाना पीना मालदार बनना, इसलिए ऐश की मोहब्बत का नशा, जहालत का नशा। ये नशा कैसे उतरेगा? तो नशा उतरने के असबाब है, एक सबब नशा उतरने का मौत है। मौत ऐसी चीज है कि सारे नशे उतर जाए, कोई करोड़ा फार्म देने की जरूरत नहीं है और न उसके उतारने की जरूरत है। मौत सारे नशे उतर जाए फिर ढीला हो जाए मौत के बाद, डॉक्टर ने हाथ उठा दिए इसको चलो ये ढीला हो गया, ढेर हो गया, क्योंकि मौत आएगी। तो मौत ऐसी चीज है जो नशा उतारे, लेकिन मौत पर अगर किसी का नशा उतर भी गया तो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, वो मर गया, कोई फायदा नहीं। मौत पर नशा उतरा तो उतर जाएगा, तो अल्लाह का इनकार करने वाला भी अल्लाह को मानेगा, फिरौन भी अल्लाह को मानने लगा जब वो डूबने लगा, तो हदीस में जब वो डूबने लगा तो वो कहा मैं अल्लाह को मानता हूँ, कि उसको मौत आई तो उसको अल्लाह नजर आया, उसको आखिरत नजर आई, वो मोतबर नहीं है कि इस जिंदगी में अल्लाह को आखिरत को माने। अब तो नशा है मेरे दोस्तों, नशा कैसे उतरेगा? एक तो नशा उतरने का जरिया ये है कि मौत आवे, अल्लाह बचावे, अल्लाह बचावे ऐसी मौत से, जी हाँ। और एक नशा उतरने का तरीका ये है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हुक्मों की मेहनत करे,
ये मेहनत मामूली नहीं है, ये मेहनत खाली निकलना और फिरना नहीं है, ये नबियों वाली मेहनत है। इसी मेहनत है नबियों वाली मेहनत, जिंदगी को बनाने वाली मेहनत। जब आदमी इस मेहनत में चलेगा और सही चलेगा कि उसकी जिंदगी का नशा उतरना शुरू हो जाएगा। ये नबियों ने ये दावत दी है कि अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्मों वाली मेहनत पर लगाओ तो जिंदगी के नशे उतर जाएंगे और नदामत आवेगी। क्या आवेगी? पछतावा होगा कि मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि अब नशा उतर गया। मौत पर नशा उतरता है तो अमल का मैदान खत्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले नशा उतरा है तो अभी अमल का मैदान है। इसलिए ये रास्ता बताया कि मौत अगर जिंदगी में दीन की मेहनत हुई तो नशा उतरेगा। वल्लज़ी नजाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते की मेहनत करेंगे हम उनको अपने रास्तों की रहबरी करेंगे, अपने रास्तों की रहबरी करेंगे। वो तो अल्लाह के रास्ते कौन से हैं? कि वो जन्नत के अमाल हैं। ये जन्नत के अमाल की तरफ अल्लाह रहबरी करेगा, ये अमाल जन्नत के हैं, ये अमाल जन्नत में ले जाने वाले। नशा उतरेगा और जन्नत वाले अमलों पर जिंदगी पड़ेगी, ये इस काम की तासीर है, ये इस काम की तासीर है। अगर इस काम में आदमी सही चला तो जिंदगी की कमियां कमजोरियां उसको अपने सामने आती है, रिंग उल्टी हो जाती है। पहले रिंग यूं हुई, सारे गुनाह सारी पुकार, अब चला तो वो उल्टी हो रही हो कि मैंने इतनी नमाजें खोई है, मेरे इतने रोजे गए हैं, मेरे इतने जकातें बाकी है, मेरे फलाने का हक आया है, ये पट्टी खुलती है। हाँ, पक्की बात कह रहा हूँ, ये पट्टी खुलती है, क्योंकि ये तो करके भूल गया है। वरना से वहां कदम दिया था, जो कुछ किया था वो भूल गया। हाँ, ये बड़ा जालिम है जो करके भूल जावे, दूसरों के हकूक बर्बाद करके अपने हकूक बर्बाद करके भूल भी गया तो अब कैसे करेगा? तो नशा चढ़ गया, फिर नशा उतरने का ये जरिया है कि इस काम के जरिए से नशे उतरते। सहाबा पे ईमान लाने के कहा रसूलल्लाह, हमने तो लड़कियां दफनाई, लड़कियों को दफना देते थे, डाल देते घड़ों में, और ये किया वो किया ये किया वो किया, तो क्यों किया? कि पहले नशे में थे, जहालत में, अब वो नशे उतरा। तो हुजूर से कहते हमने तो ये किया, आपको सताया, आपके आदमियों को सताया, इनको मारा, इनको दबाया, अब क्या हो गया? वो नशा उतरा है तो पछतावा हो रहा है, पछतावा हो रहा है अपनी जिंदगी पर। तो ये नशा उतरने की अलामत है। तो हुजूर तसल्ली देते थे कि तुम्हारे ईमान लाने की वजह से अल्लाह माफ़ कर देगा, तुम्हारे हिजरत करने की वजह से अल्लाह माफ़ कर देगा, तुम्हारे हज करने की वजह से माफ़ कर देगा, क्योंकि वो पशेमान है कि मैंने ये किया है ये किया है, ये नशा उतर। आज भी यही बात है, जिंदगी का नशा उतारने के लिए जहालत का हो या ऐश का हो अल्लाह ने ये काम दिया। ये दो टूक बात कही जा रही है, देख ले कोई उसके कितने ही नमूने हैं कि उनसे पहली जिंदगी पूछो, पहली जिंदगी में यही थी और अब यह। तो नशा उतारने के लिए कहा कि दुनिया ऐश का नशा चढ़ेगा, जहालत का नशा चढ़ेगा, कोई दवा नहीं है। ये एक दवा है कि अल्लाह के रास्ते में जान लगेगी, अल्लाह के रास्ते में माल लगेगा, हुसूल आदाब के साथ जिंदगी गुजरेगी तो कि फिर जिंदगी पलट जाएगी नशा उतर के। अब जिम्मेदारियों की खबर आएगी। मेरा एक साथी था तो बहुत आगे निकल गया था, अपने बाप को भी खींच के पत्थर मारा था, उसके सीने में जाकर लगा ऐसा। तो एक दिन बैठा हुआ था, तो हम बहुत जमाने के बाद 50 साल से ज़्यादा में बम्बई में इज्तिमा हो रहा था जोकि शरीर में, क्योंकि तो शरीर पुरानी है, तो हम उसकी तश्ील कर रहे थे। तो 50 साल पहले का वो बेटा चाय पी रहा, मैं गया, मेरे साथ था, मैं कहा तुम बम्बई में इज्तिमा हो रहा है कुछ तो कर लो। तो मेरा अदब करता था वो, चूँकि मेरा साथी था, तो अच्छी बात है मैं 20 दिन जाऊँगा। ऐसे लोग पक्के होते हैं जो अपने गुनाहों में अपनी दादागिरी में पक्के होते हैं, ऐसे यहाँ भी पक्के हो जाते हैं। वो जब बात करके फिर टालेंगे पूरी करेंगे।
तो 20 दिन गया, 20 दिन के बाद वापस आ गया तो ये एकदम पक्खन हो गया। एक चचा के बेटे को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, फलाना, अरे भाई क्यों सब कि मैं उनसे माफी मांगूंगा, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। अब पट्टी सही हो गई, वो उल्टी उल्टी खुली है, पहले लोगों के हक मारे हैं, अब हक अदा करने की ताकत आ रही है। यही बात है, क्या हो गया? भाई बैठ जाने, सांप है, सांप है, ए सांप है, बढ़िया उधर तुम फलाने को बुला लो, फलाने को बुलाओ, मैं माफी मांगूंगा। तो घर वाले परेशान है, जो किसी को काम करने दो, लेकिन उसको अंदर चटक लगी हुई है। ये एक मिसाल ऐसी, बहुत मिसाल ऐसी है कि पिछली जिंदगी पर पछपड़ा हुआ है, बयान सुनने आया हो, सही हो रही है कि नशा उतर गया। ये सबसे बड़ा असर है इस काम का, कि जिंदगी में जितने गलत गलत नशे चढ़े हैं, हाँ किसी लाइन का भी हो, उसका इलाज ही हमको ये बताए मिलना, जो हमारे रास्ते की मेहनत करेंगे हम उनको अपने राहों की हिदायत दे देंगे। जमानत दी है अल्लाह कि हम उनको अपने राहों की हिदायत देने की, लेकिन है ये मेहनत करने वालों को, इन्हें मेहनत करनी है दीन की, सीखने की, सिखाने की, अपनी ज़िंदगी में अमल लाने की, हाँ जान माल से, तो फिर हम अपने अपने मेहनत के बकदर उसका असर होगा। सहाबा की ज़िंदगी इसका नमूना है कि जिन्होंने अपने आप को ज़्यादा लगाया उनकी तरक्की ज़्यादा हुई, उनके दर्जे ज़्यादा बुलंद हुए। इस तरह हर एक को दर्जे मिले, बोले कुल्लिन दर्जा तो मैं मामिल हूँ, कि हर एक को उसके अमल के बकदर दर्जे मिलेंगे, अपनी मेहनत के बकदर उसको दर्जे मिलेंगे अल्लाह के यहाँ से, और इस ज़िंदगी में से अल्लाह उसको निकालेगा गलत ज़िंदगियों में से, सारी बुराइयाँ छूट जाती है और कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच जाता है। एक दफ़ा मैं अपने निज़ामुद्दीन में बैठा हुआ था, नहीं एक आदमी आया था, मैं कारगुजारी सुन रहा था, मैं मगरिब के बाद उसने कारगुजारी सुनाई, चीज़ा लगा मुरादाबाद में और ये हुआ ये हुआ। कारगुजारी के बाद मुझे कहने के दुआ कोनो दियाद नहीं है, मुझे लिख देंगे, मगर लिख देंगे आप कौन हो? तो आपने बताया कि मैं आपकी मस्जिद में मुंह धोने के लिए आया था। तो मुंह धोने क्यों आए थे? नमाज कि नहीं, मैं तो नशावर चीज़ें बेचता था, मेरी कमरी मेरी एक पूरी पार्टी थी, तो रात को नशावर चीज़ें बेचना, सुबह तक मैं ख़त्म कर देना, तो सुबह बेचते बेचते सुबह हो गई, तो आपकी मस्जिद के पास से बोला मस्जिद खुली, हमारे निज़ामुद्दीन की मस्जिद, तो मैं अंदर दाखिल हुआ। लोग आते थे, हमारे हजरत फरमाते कि जो भी आवे वो आने दो उसको, अगर उसको वजू की जगह वजू की जगह बताओ, पानी की जगह बताओ, इस जगह बताओ, अपनी बात भी करो। एक उसूल था हमारा मस्जिद में, तो उसे किसी ने बात की, तो क्या मैं तो मस्जिद में आया था हम मुँह धोने के लिए, और किसी ने बात की, और तो फिर मैं नमाज के लिए रुक गया, फजर की नमाज हुई, फजर के बाद बयान हुआ, बयान में तश्किल हुई कि बोलो कौन तैयार है, तो मेरे दिल में उसका असर पड़ा, तो मैं एकदम तैयार हो गया। एक बात बीच में याद आ गई, वो हमारे अहले इलम को समझने की है। हज़रत उमर फरमाते थे कि मा अरफ कदर इस्लाम इल्ला मन आश फिल जाहिलिया, इस्लाम की कदर वो पहचानेगा जिसने जाहिलियत में अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी। जरा प्यासा जितना होता है इतना उसको पानी की कदर होती है, तो जिसने जितनी जाहिलियत में ज़िंदगी गुजारी होगी इतना ये अमल उस पर असर करता है और इतना वो उससे मुतासिर होता है। ये हज़रत उमर फरमाते थे इस्लाम की कदर वो आदमी पहचानेगा कि जिसने जाहिलियत में अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी जहालत में, अब उसको यह रास्ता मिला। तो ये वो था, वो रात नशे और चीज़ें बेचना, और ये अब उसको ये बात मिली, बयान सुना, तो मेरे पर बहुत असर हुआ और मैं उसी वक्त चिल्ले में चला गया, न दायां देखा न बायां देखा, ये किस काम के लिए आया था, तो चला गया। और ये सिल्ला पूरा करके आपको कारगुजारी सुना रहा हूँ, मुरादाबाद में सिल्ला लगा, जी हाँ, और नमाज सीखी, नमाज याद नहीं थी, नमाज सीखी,
मगर मुझको नशे की आदत थी। फिर क्या हुआ कि छूट गया तो तकलीफ तो पड़ी थोड़ी, मगर हिम्मत की तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नशे और चीज़ें निकल गई ज़िंदगी में से। और अब ये नमाज याद नहीं थी तो याद हुई दुआ कुनूत, मैंने कहा मैं लिख दूंगा दुआ कुनूत, फिर वो चला गया। एक औरत आई कि हमारा आदमी आपने भेज दिया है, उसको बुलाओ। अरे क्या किस्सा है मालूम है, वही है वो, तो उसको समझा बुझा कर, वो भी उसे दोनों भाई बहन आए थे तो उसको समझा कर भेज दिया अंदर से लोगों ने। फिर मालूम हुआ कि ये वही आदमी है जो भी चिल्ले में चला गया, ये उसकी बीवी है, ये उसका बीवी का भाई है। उनको समझाया, ये चिल्ले के बाद आया, पहले आदमी ऐसा कर चिल्ले को उतरता होगा ना बीवी को खबर न उनका खाना पानी खर्चा, कि मेरे घर में कोई भूखा नहीं मरता है, मुझे तो सब कुछ मिला है पैसे पैसे, लेकिन मेरी ज़िंदगी ख़राब इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का इलाज करने के रास्ता किया। फिर वो 4 महीने के लिए चला गया, हाँ और 4 महीने उसने पूरे किए, हाँ और कहा कि बीवी कि बीवी तो जिद में आई थी, वरना वो जो वो 3-व्हीलर है लेकर आए थे वो तो मैंने ही दिलाया है उसके उसके भाई को कमाने के लिए, तो कोई हमारे यहाँ गरीब नहीं है, लेकिन बीवी जिद में आई थी। खैर वो खैर उसके चिल्ले 4 महीने पूरे हो गए और ज़िंदगी बदल गई। फिर एक फिर मैं बैठा था वो तो कुर्ता पाजामा क्या है कि आपने मुझको नहीं पहचान में करना कि वो मुँह धोने आया था वो, अब क्या है कि हज को जा रहा हूँ, क्या हज को जा रहा हूँ। ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि अल्लाह ताला इस तरह लोगों की जिंदगियों को निकालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ काम करने वाला वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रिश्ते से मेहनत करेंगे अल्लाह उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे। कहीं तो शराब नशावर चीज़ें बेच रहा था, अब वो बदल गया और वो जमात में भी जा रहा है, हज में भी जा रहा है, शक्ल शोहरत सब सब बदल गया, ये नशा उतर गया। जी हाँ ये मेरे दोस्तों इसको खुरूज कहते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये निकलना हुआ अपनी गलत जिंदगियों में से निकल जाना और सही जिंदगी पर आ जाना, ये निकलना ये मकसद है, यही अक्सर होता है। इस काम में अल्लाह ताला ने ये बात रखी है, जैसे कहें सही चलेगा पिछली ज़िंदगी पर नदामत आएगी और पिछली ज़िंदगी को अल्लाह से माफ़ कराने की फिक्र में आदमी लग जाएगा, लोगों के हकूक होंगे तो हकूक अदा करने की फिक्र में पड़ जाएगा, हाँ कि फलाने का दबाया था, फलाने का लिया था, फलाने का बाकी है, एक पट्टी खुलती अंदर तो ज़िंदगी साफ हो जाती है। जब ज़िंदगी साफ हो जाती है तो मौत आसान हो जाती है, ये कायदा है। मसनून दुआओं में अल्लाहुम्म इन्नी अस'अलुका ईशतन नकिया व मीतन सबिया व मरदन गैर मुखज़ी वला फ़ाज़िल, ए अल्लाह मैं आपसे ज़िंदगी मांगता हूँ साफ सुथरी, मसनून दुआ है। अल्लाहुम्म इन्नी अस'अलुका ईशतन नकिया, ए अल्लाह मैं आपसे साफ सुथरी ज़िंदगी मांगता हूँ, किसी का हक मेरे ऊपर न रहे, अल्लाह का भी न रहे, मखलूक का भी न रहे, किसी का हक न रहे, साफ सुथरी ज़िंदगी मुझे दे। अल्लाहुम्म इन्नी अस'अलुका ईशतन नकिया, ए अल्लाह मुझे साफ सुथरी ज़िंदगी दे, व मीतन सबिया और मुझे आसान मौत दे, और क्या चाहिए, ज़िंदगी साफ सुथरी हो गई और आसान मौत दे। दुआ सिखाइए कि अल्लाह मेरी मौत आसान कर दे, क्यों कि मौत बड़ी मुसीबत का नाम है, मौत सबसे बड़ी मुसीबत है सिवाय इसके जिस पे अल्लाह आसान करे। तो ये मांग रहा है कि अल्लाह ज़िंदगी साफ सुथरी हो जावे और मेरी मौत आसान हो जावे और मेरा तेरे तरफ लौटना ऐसा ना हो कि मेरी रुसवाई हो, मेरी जिल्लत हो तेरे दरबार में, ऐसी रुसवाई ऐसा लौटना ना हो, मेरा लौटना तेरे सामने सही हो, ये दुआ मांगी। तो ये हो जाता है मेरे लोगों की ज़िंदगी साफ सुथरी हो जाती है, मौत हल्की हो जाती है, मौत आसान हो जाती है दीन की वजह से। इसलिए मेरे दोस्तों एक तो अपनी ज़िंदगी इस काम पर लगानी है, हाँ ताकि ज़िंदगी अमल बने, ईमान में तरक्की के लिए अल्लाह के रास्ते में फिरना है, अल्लाह के रास्ते की दावत देनी है, दीन की बातें करनी है, ईमान की बातें सुननी है, झुकनी है। दूसरा अपने अंदर इबादत का ज़ौक पैदा करना है, हमारे अंदर इबादत का ज़ौक नहीं है, इबादत का ज़ौक नहीं, इबादत बोझ है, इबादत बोझ है, ये ईमान की कमजोरी की अलामत है कि इबादत हमको बोझ मालूम होती है।
तो ईमान में तरक्की के लिए ईमान की नकल व हरकत, दूसरा इबादत, कि इबादत का ज़ौक शौक पैदा हो जाए, इसलिए इबादत के फ़ज़ाइल जानने हैं। क्या जानने हैं? कि इबादत के फ़ज़ाइल जानो कि अल्लाह ने इबादत में क्या क्या देने के लिए क्या, जान माल को सही इस्तेमाल करना उसका नाम इबादत है, उसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, ज़िक्र सब आ जाएगा। कि इसके फ़ज़ाइल जानना है कि अल्लाह ताला हमको क्या देने वाला है, चूँकि हम उसके फ़ज़ाइल से बेखबर हैं इसलिए हमको अपने अमल की कोई कदर कीमत नहीं, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो टूटा हुआ फूटा हुआ, ऐसा ये क्यों कि उसकी कीमत नहीं मालूम। इल्म और ज़िक्र का ये मतलब है कि अमल की फजीलत जानो, अपने अमल की कीमत जानो। ताजिर कोई चीज़ बेचता है तो वो जानता है कि कितनी कीमत में उसके यहाँ आई है, तो कितने नफे से वो जा रही है। हर ताजिर ये दोनों बात जानता है कि कितनी कीमत में उसके यहाँ आई है और कितने नफे के साथ वो ग्राहक को जा रही है, उसका नाम तिजारत है। मेरी बात सही है? नहीं पवना ताजिर है, उसको ना नफे की खबर है ना मुद्दल की है, मुद्दा असल माल असल कीमत क्या है वो भी खबर नहीं है। ऐसे हमारी हालत हो गई है, मेरी नमाज की क्या कीमत है, उसका क्या फजीलत है, पढ़ नहीं है। ऐसा नहीं है, दुनिया बाजार है, यहाँ कमाने वाले भी हैं, खोट खाने वाले भी, हदीसों में है कि दुनिया एक बाजार है, यहाँ खोट भी होगी और नफ़ा भी होगा। चाहे बाजारों में खोट खाने वाले भी होते हैं, नफ़ा उठाने वाले भी होते हैं। हर आदमी सुबह शाम करता है और कुछ तो अपने आप को खोट में उतार कर हलाक करता है, कुछ नफा उठा कर तरक्की करता है। हाँ, जिंदगी दुनिया की बाजार है, बाजार में खोट खाने वाले भी होते हैं, नफा उठाने वाले भी होते हैं। ऐसी दुनिया की जिंदगी है, यहाँ खोट खाने वाले भी हैं, नफा उठाने वाले भी हैं। जिनकी जिंदगी आखिरत भूल कर और हुक्म भूल कर होगा वो खोट की जिंदगी है, चाहे लाख दुनिया के लाख कमावे वो खोट में है, और जिनकी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों से तरीकों से है वो नफ़े में है, चाहे वो गरीब है लेकिन वो नफ़े में है। असली नफ़ा वही है। अमन जुह से बहुत खिलर जन्नत है फ़कत फाज, कि जो तो दोजर से बच गया और जन्नत में पहुंचाया गया वो हुआ कामयाब, असल कामयाबी है। तो उस तो वो उस कामयाबी की ये दावत है, उस कामयाबी की ये मेहनत है कि जहन्नम से बचकर जन्नत में जाना और दुनिया में जन्नत वाले अमाल करना। ये इसलिए मेरे दोस्तों हमारे अंदर इबादत का ज़ौक शौक़ पैदा हो जाए, नमाजों का ज़ौक शौक़ पैदा हो जाए। ये नहीं कि ज़रूरी नमाज पढ़ लें, सुन्नत भी तर पढ़ ले चलो, ऐसा नहीं है। अपने अंदर इबादतों का ज़ौक पैदा करें। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया और इबादत में सबसे ऊंची इबादत नमाज है, कि नमाज की वजह से बाकी इबादतों की सलाहियत पैदा होगी। नमाज सही होगी तो माल सही खर्च करने का रुख पड़ेगा, नहीं तो माल को भी खर्च बर्बाद करेगा। जी हाँ, इसलिए अपनी नमाजों को अपनी इबादतों को बनाना है ईमान के साथ साथ। हाँ, कि नमाजें अच्छी से अच्छी पढ़ें। हाँ, हदीस में है कि नमाज को सही करने के लिए अपने पेटों को अपनी पीठों को हल्का रखो। हदीसों में कि नमाज के लिए अपनी पीठ को भी हल्का रखो, अपने पेट को भी हल्का रखो। पेट को हल्का रखने का मतलब तो जाहिर है कि ज़्यादा खाएगा तो क्या नमाज पढ़ेगा, उसका क्या नमाज जी लगेगा, पेट भरा हुआ है। और पेट को हल्का रखने का मतलब ये है कि ज़्यादा कजिए झगड़े अपने साथ दुनिया के ना रखो, नहीं तो होगा नमाज में और वो कजिए उसको खींचेंगे पीछे से, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। इसलिए फरमाया अपनी नमाजों को सही रखने के लिए पेट को पीठ को हल्का रखो, ज़्यादा झगड़े अपने साथ मत रखो, ज़्यादा खुद क्योंकि इबादत के लिए पैदा हुए हैं, बाकी तो सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। ज़रूरत उसको कहते हैं जो मौत पर ख़त्म हो जाए, उसका नाम ज़रूरत। ज़रूरत किसको कहते हैं? मौत पर ख़त्म, उसका नाम ज़रूरत। तो तमाम चीज़ें ज़रूरत के लिए, मौत पर उसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, सब ख़त्म, ज़रूरत है। असल के असल तो अल्लाह ने हमको इसके लिए पैदा किया है। इसलिए इस दावत के ज़रिए से अपने ईमानों में तरक्की करनी है, जान माल लगा कर फिरने की वजह से ईमान में तरक्की आएगी। दूसरे नंबर में अपनी नमाजों को सही करनी है। हाँ, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ें, एहतमाम से नमाज पढ़ें, कि नमाज से ऊंचा कोई अमल इस्लाम में नहीं है। नमाज और हज इस्लाम के इम्तियाजी अमाल हैं। जी हाँ, बाकी खैरात सदका रोज़े दूसरी कौमें भी रखती हैं, यहूद नसारा भी रोज़े रखते हैं। जी हाँ, नमाज और हज, इसलिए अपनी नमाजों को बनाना है दावत में,
خصوصاً دعوت دینے والے اللہ کے راستے میں مثلیں چلانے والے ان کی نمازیں اچھی سے اچھی ہونی چاہیے نمونے والی صحابہ کو نماز کا انہماک تھا کیا تھا انہماک یعنی ہر درجہ مشغولی تراہم رکعن سجدہ یہ کہا صحابہ کے بارے میں محمد کے اصحاب ان کو آپ دیکھو گے رکوع اور سجدہ میں پاؤ گے رکوع اور سجدہ یہ دو رکن نماز میں ہی ہوتے ہیں دوسرے کسی رکن میں نہیں ہے حج میں نماز حج میں رکوع سجدہ نہیں ہے روزے میں رکوع سجدہ نہیں ہے کہیں رکوع سجدہ نماز میں ہے رکوع اور سجدہ نماز کا امتیازی رکن ہے اس کا ذکر کر کے تو بادشاہ بھی محمد کو دیکھو گے کہ وہ رکوع میں اور سجدوں میں ہوں گے یعنی نمازوں میں ہوں گے تو ان کا بڑا کام تھا کہ وہ ان کی نمازیں اونچی سے اونچی اچھی سے اچھی اس لیے ان کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے دعوت ہے کہ اپنے ایمان میں ترقی کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اپنی نمازوں کو صحیح بنانا اپنی نمازوں کو کیونکہ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالے گی نماز نور ہے روشنی ہوگی تو پوری فضا پر روشنی ہوگی حدیث میں کہ نماز تو نور ہے اس لیے اپنی زندگی کو نورانی بنانے کے لیے اس لیے اپنی نمازوں کو اچھی سے اچھی پڑھنا پابندی کے ساتھ پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کے ساتھ پڑھنا اس کے انعامات ہیں نماز کے انعامات ہیں اپنے گھر سے وضو کر کے چلا ہے تو ایسا ہے جیسا اپنے گھر سے احرام باندھ کر جا رہا ہے گھر سے وضو کرنا یہ مثال کہ گھر سے وضو کر کے چلا ہے تو ایسا ہے جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے گھر سے وضو کرنے کی فضیلت ہر قدم پر یہ کی ہر قدم پر درجہ بلند ہوگا ہر قدم پر ایک خطا معاف ہوگی مسجد میں جائے گا تو اللہ کا مہمان ہوگا خالی بیٹھے گا اعتکاف کے لیے تو اعتکاف کا ثواب ملے گا نماز کا انتظار کرے گا تو انتظار کا ثواب ملے گا خیر ہی خیر ہے اس لیے اپنی نمازوں کو اچھی سے اچھی بنانا سیکھ کر کے سمجھ کر کے سنت کے مطابق نماز بنانا یہ نماز پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے اس کے لیے علم و ذکر ہے کہ نماز کا علم بھی ہو کہ نماز کی چیزیں یاد بھی ہو صحیح ہو کہ نماز پابندی سے پڑھیں نماز کی دعوت بھی دیں تو لوگوں کو اپنی زندگی میں نماز لانا دوسروں کی زندگی میں نماز آوے اپنی زندگی میں دین لانا دوسروں کی زندگی میں دل اس کے لیے کام ہے جو دین ہمارے پاس ہے وہ دوسروں میں آوے یہ نمازیں اچھی سے اچھی پڑھنی پابندی کے ساتھ سیکھ کر کے ہاں صحیح تاکہ نمازوں کے اثرات ہیں اگر نمازیں صحیح ہو گئی تو اللہ کی مدد اترے گی انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی یہ انعام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ کہتے ہیں آخری بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ سے بڑھ کر کون کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرنے والے زکوٰۃ دینے والے رسول کی اطاعت کرنے والے بنو تو میں ہی تمہارے ساتھ ہوں پھر تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے بہت بڑا انعام ہے نماز قائم کرنے پر اس لیے میرے بھائیوں ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے کہ نمازیں سیکھ کر کے اور سمجھ کر کے اچھی طرح ادا کرنی ہے یہ ایک دعوت ہے اس لیے جماعتوں میں پھیرنا ہے تاکہ سیکھیں سمجھیں یاد کریں دوسرا دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا ہوں گے دنیا دار الحقوق ہے تو دوسروں کے حق ادا کرنا دوسروں کا کیا حق ہے میرے اوپر یہ آج تو حق کی لڑائی ہے میرا حق ہے میرا حق ہے تو حق مانگنے کی لڑائیاں اگر حق دینے کا رواج پڑے تو لڑائی ختم ہو جائے کہ بھائی آپ کا حق ہے لے لو تو کیا جھگڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا صحابہ کو صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بات ہوتی جیسے ہمارے صبح بیان ہوتے ہیں تو ایک دن قصہ سنایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا اس نے اپنا ایک زمین بیچی خریدنے والے نے خریدی ہو گیا سودا پھر اس نے کھدائی کی اپنا کام کے لیے تو اندر سے ایک برتن نکلا تانبے کا اس میں سونا بھرا ہوا تھا پہلے زمانے میں لوگ بینکوں کا رواج نہیں تھا زمین میں دفن کرتے تھے چوروں کی وجہ سے ڈاکوؤں کی وجہ سے تو وہ نکلا تو وہ جس نے زمین خریدی تھی وہ لے کر کے مالک کے پاس گیا یہ آپ کی امانت آپ کی زمین میں سے نکلی ہے یہ آپ لے لو میں نے زمین خریدی ہے اس کو نہیں خریدا ہے یہ آپ کی امانت ہے یہ لے لو اس نے کہا میں نے تو زمین بیچی ہے یہ جو زمین ہے وہ سب بیچا ہے میرا نہیں ہے یہ آپ کا ہے وہ بھی لینے کو تیار نہیں یہ بھی لینے کو تیار نہیں کیونکہ میرا ہے نہیں میں کیسے لوں اس کو امانت داری کہتے ہیں جب ایمان آتا ہے تو پھر لوگ امانت دار بنتے ہیں دوسری چیزوں کو ہڑپ کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہاں امانت دار ہوتے
अब ये मसला बन गया कि ना ये लेने के लिए तैयार है ना वो लेने के लिए तैयार है, क्यों मेरा नहीं है। कहते उस जमाने में दाऊद अली सलाम के पास फैसला गया, दाऊद सलाम ने फरमाया, दोनों की बातें सुनी कि तुम्हारे कोई औलाद है, एक ने का बेटा है उनका बेटी है कि शादी करा दो ये दौलत उनको दे दो, इनकी शादी करा दो ये दौलत उनको दे दो, ये फैसला हुआ। ये अमानतदारी की बात है कि अमानतदारी की बरकतें होती है, नहीं तो खून खराबा हो जाता। तू कौन, तू कौन, मेरी है। हाँ, इसलिए ईमान और अमानतदारी से ये दुनिया की सलामती आती है। इसलिए इस काम में ईमानतदारी, अमानतदारी, दूसरों के हुकूक, इसको सिखाया समझा जाता है कि दूसरों के हुकूक के बारे में अमानतदार बनो, फिर दुनिया की सलामती अमानतदारी की वजह से होगी। असलिम तस्लम, हुजूर फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो सलामत रहोगे। लोगों से फरमाते हैं इस्लाम कबूल कर लो सलामत रहोगे, सलामती का सामान है ये। आदमी अमानतदार बन गया, ईमानदार बन गया, भाई इसका हक है तो इसका हक दे दो, हमारा हक नहीं है हम नहीं लेंगे, इसको अमानतदारी कहते हैं। तो लोगों में इंसाफ और अमानतदारी जिंदगी में आना, ये भी इस काम का मकसद है। खाली निकलना मकसद नहीं है कि हम अमानतदार बने अपने हकूक़ के बारे में, दूसरों के हकूक़ के बारे में। हाँ, कि ये मखलूक के साथ मामला है, अल्लाह के साथ मामला करना है तो ईमान और इखलास चाहिए। जो भी काम करे ईमान इखलास से करे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। बंदों के साथ मामला करना है तो इंसाफ एहसान से करें, ये उसूल है कि बंदों के साथ मामला है तो इंसाफ और एहसान करो। इंसाफ का तकाजा यह है कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए ना पसंद करो दूसरों के लिए ना पसंद करो, ये इंसाफ का तकाजा है। तो हमको इंसाफ करने का हुक्म है, कुरान करीम ने इंसाफ करने का हुक्म दिया है कि इंसाफ से रहो, इंसाफ से रहो। वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है, उमर तो लियादिल बैनकुम, मुझे इंसाफ का हुक्म दिया गया है। तो इंसाफ से रहना ताकि हुकूक की पायमाली ना हो, हुकूक की अदायगी हो, और इंसाफ से ऊपर एहसान करना कि मेरी जात से, मेरी जान से, मेरे माल से दूसरों को फ़ायदा हो जाए, मुझे उनसे फ़ायदा नहीं लेना है, मेरी जान माल से दूसरों को फ़ायदा हो जाए। इंसान को भी, जानवर को भी, कुत्ते को भी पानी पिलाने वाले को जन्नत मिलती है। हदीस के कुत्ते को पानी पिलाया, तो मखलूक के साथ एहसान करने का हुक्म है हमारी दावत में कि मखलूक के साथ एहसान करो, अपनी जात से दूसरों के साथ भलाई करो, दूसरों का नफा सोचो। हाँ, तो जब तुम जमीन वालों पर रहम करोगे आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हदीसों में कि जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये ज़िंदगी अपने अंदर बनानी है कि हमारा वजूद दूसरों के लिए रहमत बने, हमारा वजूद दूसरों के लिए खैर का ज़रिया बने। और ये सारा काम इसलिए करना है कि आखिरत बन जाए, मौत के बाद की ज़िंदगी बनाने के लिए करना है। मौत हर एक को आनी है और मौत के लिए यही तैयारी का सामान है और कोई सामान नहीं। बल तंजूर नक्सुमा खत लगत, हर आदमी सोचा करे कि उसने आने वाली कल के लिए क्या तैयारी की है। एक कल आने वाली है, मौत आने वाली है, कयामत आने वाली है, इस आने वाली कल के लिए क्या तैयारी की है हर आदमी सोचे। ये कहा हर आदमी सोचे, एक कल इस पर आने वाली है मौत की या कयामत की, उसके लिए क्या तैयारी की है, ये दावत दी है। तो अपनी तैयारी, मौत की तैयारी के लिए अल्लाह ने हमको दीन दिया है। दीन के बगैर आखिरत नहीं बनेगी, दीन के बगैर दुनिया की सलामती भी नहीं है, खलफशार होगा बगैर दीन के। इसलिए दीन अल्लाह ने हमको दिया है कि ज़िंदगी में दीन लाना है, ईमान बने, आमाल बने, अखलाक बने, इखलास बने, और जान माल सही रास्ते पर लगे, जान माल फजूलियात पर न लगे, जान माल सही रास्ते पर लगे। जान माल अमानत है, अल्लाह ने माल को हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया है, माल को ख्वाहिशात पूरे करने के लिए नहीं पैदा किया है, माल हुकूक अदा करने के लिए पैदा हुआ है कि इसके जरिए हुकूक अदा करो ताकि आखिरत बच जाए। अपना हक भी अदा करना है, जिन जिनके ताल्लुक है उनके हुकूक हैं कि उनका हक अदा करो, हमको हक अदा करने का हुक्म है। और माल के माल हक अदा करने के लिए पैदा हुआ है, माल मालदार बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है, माल को अल्लाह ने मालदार बनने के लिए नहीं पैदा किया, माल को हुकूक अदा करने के लिए पैदा किया। अल्लाह का भी हक है, ज़कात है, हज है, ये माल से अदा होते हैं, ये अल्लाह का हक है। ये सो माल से यह हक अदा करो, मखलूक का भी हर हक है माल में कि वह हक अदा करो। और उसको समझने के लिए इल्म व ज़िक्र है, इल्म व ज़िक्र यानी दीन सीखोगे तो पता चलेगा कि इसका क्या हक है। दीन नहीं सीखेगा तो इसको हक की खबर ही नहीं है, अपनी जहालत में दूसरों के हुकूक बर्बाद करके ज़िंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए अल्लाह के रास्ते में फिरना है ताकि
اللہ کے حق کی خبر ہو, اپنے حق کی خبر ہو, دوسروں کے حقوق کی خبر ہو, آخرت کی فکر ہو, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں یہ کام دیا ہے. ہاں, اس کے نفع اس پر کھلیں گے جو اس محنت کو کرے گا. اس لیے اس محنت کو کرنا ہے, اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے. کوئی وقتی بات نہیں کہ 4 مہینے ہو گئے, نہیں, 4 مہینے تو تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے. وہ 4 مہینے بنیاد نہیں ہے, وہ تو تعلق پیدا کرنے کے, دین سے تعلق پیدا ہو جاوے, دین سے محبت ہو جاوے, ایمان سے محبت ہونی چاہیے. مسنون دعاؤں میں ہے, اللہم حبب الینا الایمان, اے اللہ ہم کو ایمان کی محبت دے. یہ نہیں کہ مال کی محبت ہے, کہ ایمان کی محبت ہے. ایمان کی محبت کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ ایمان کو قبر میں لے جاوے. اس لیے ایمان کی محبت مانگی ہے کہ اللہ ایمان کی محبت ہے, تو ایمان کے کام کرے گا, ایمان کے نفع نقصان کچھ فضائل میں سوچے گا, تو ایمان سے اعمال سے محبت پیدا ہوگی. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ لوگ اس محنت کو کریں گے تو ان کو اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی. جیسے چیزوں سے محبت ہو گئی ہے, اگر یہ اس کام کو کریں گے تو اللہ کے حکموں سے محبت ہوگی, نمازوں سے محبت ہوگی, صدقہ خیرات سے محبت ہوگی, ذکر تلاوت سے محبت ہوگی, دعا سے محبت ہوگی, توبہ سے محبت ہوگی, ان چیزوں سے محبت ہو جائے گی اگر یہ کام کریں گے. اب یہ کرتے نہیں تو اس کی محبت بھی نہیں ہے, یہ بوجھ بنی ہوئی ہے, لیکن اس کام کو کریں گے تو فرمایا اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی, ایمان سے محبت ہو جائے گی, یہ اس کی برکت ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی برکتیں بہت زیادہ ہیں, اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے, مگر یہ سب چیزیں کرنے سے تعلق کرتی ہے. اگر کریں گے تو یہ زندگی میں آئے گا, نہیں کریں گے تو زندگی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. شیطان بھی آتا ہے سمجھانے کے لیے, یعنی بہکانے کے لیے, کہ وہ بہکاتا ہے کہ اپنے ہی بعد میں کریں گے, ابھی کیا ضروری ہے, بعد میں کریں گے, اس کو تصویر کہتے ہیں. ہاں, شیطان کا کام ہے, تصویر ہے, تخویف ہے, کچھ مختلف کتابوں میں کہ تصویر یعنی بعد میں کریں گے, ٹال لیں گے کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے, اور ٹال دیا تو موقع ہاتھ سے نکل گیا, یا پھر زندگی ہاتھ سے نکل گئی. دو ہوتے, کبھی موقع نکل جاتا ہے, کبھی زندگی نکل جاتی ہے اور آدمی محروم ہوتا ہے. اس لیے یہ کام ٹالنے کے لیے نہیں ہے, اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے, اور اس سے بچنے کے لیے غلط غلط بہانے نہیں بنانے ہیں. منع ہے کہ غلط غلط بہانے نہ بناؤ, غلط غلط عذر مت تیار کرو. اگر غلط غلط بہانے بناؤ گے تو وہ بہانے سچ ہو جائیں گے, کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے, میں بیمار ہوں, بہانہ ہے. کہ اگر بہانہ بنایا تو وہ بہانہ سچ ہو جائے گا. حدیثوں میں ہے کہ لا تمرضوا فتمرضوا, جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. ہاں, اللہ کے ساتھ چالاکی نہیں چلتی, اللہ کے ساتھ صاف صاف رہنا ہے کہ بیمار نہیں, اپنے آپ کو بیمار بتایا. شیطان کہتا ہے کہ ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پھر وہ آگے طبیعت بگڑ ہی جائے گی, مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے کہا اللہ تمہارا تو ختم رہو, جان بوجھ کر بیمار نہ بنو, جان بوجھ کر ادھر میں پیدا کرو ورنہ وہ ادھر سچ مچ ہو جائیں گے. یہ ڈرایا ہے کیوں, تاکہ اللہ کے معاملے میں سچے رہیں, اللہ کے معاملے میں صحیح رہیں. معاملہ اللہ سے ہے, زندگی آ جائے کل نہیں ہے, معاملہ اللہ سے ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ سے ساتھ معاملہ سچ رکھو, صحیح رکھو, سچے رہو اللہ کے ساتھ, تاکہ اللہ بھی اپنا معاملہ سچ کرے. جیسے میں نے کہا نہیں کہ جو لوگ اپنا معاملہ خدا سے صحیح کریں گے, اللہ ان کے لیے اپنا معاملہ صحیح کر دے گا. اس لیے اللہ سے معاملہ سچ کرنا ہے, کیونکہ سب چیزیں اللہ کی ہیں, ہم کو اللہ نے دی ہیں. اس لیے اپنی زندگیوں کی قدر کرنی ہے, اپنی فرصت کی بھی قدر کرنی ہے, اپنی تندرستی کی بھی قدر کرنی ہے, اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں لگایا جاوے, دین کے کاموں میں لگایا جاوے, جان کو, مال کو, صلاحیتوں کو. اس دعوت کا یہی مقصد ہے کہ صلاحیتیں برباد نہ ہو, صلاحیتیں حق پر لگ جاوے. اس لیے میرے بھائیوں, جن دوستوں نے ارادے کیے ہیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اللہ مبارک کرے ان کے ارادوں میں اور برکت دے ان کے ارادوں میں اور ان کو ترقی دے. اور جنہوں نے اب تک ارادے نہیں کیے ہیں اور بات سمجھ میں آئی ہے تو وہ فیصلہ کرے, ٹالے نہیں کہ ابھی نہیں, بعد میں, رمضان کے بعد, عید کے بعد, شادی کے بعد, کہ نہیں, کہ نقد اپنے آپ کو کرے. تو جب آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اگلا قدم اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. ایک قدم اٹھاتا ہے, دوسرا اگلا قدم خود ہی جانے پڑتا ہے. جب آدمی ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, ورنہ شیطان بہانے سمجھائے گا, وہ بہانے پھر سے سوچ جائے گا, آدمی پریشانی پڑ جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کسی پریشانی, تمام پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین زندگی نہ آوے, کہ پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں, بے دینی کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. جب بے دینی ختم ہو گئی تو پریشانی ختم, برکتیں آئیں گی. یہ تو برکتوں کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے. اس لیے اس سے کوئی نہ بچے بلکہ اپنے آپ کو اس میں ڈالنے کی فکر کرے. ہاں.
आज वक्त है, आज मौका है, टालने से वो मौका आपसे निकल जाता है। इसलिए हिम्मतें करें और अपने आप को पेश करें। जिन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया है वो अपने आप को पेश करें। अब शायद इसके बाद कोई तस्वीर का मौका भी नहीं होगा, आखिरी है।